चलिए हाय दोस्तों, आपके लिए अनदर वीडियो लेके आया हूँ। कल का जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा 14 फेब का, तो कल के ट्रेडिंग सेशन निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लोग इंपॉर्टेंट रहेंगे, किस तरह से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो आपके लिए ला सकूँ। निफ्टी जो क्लोजिंग दिए 17,770 पे, एडोसस में 16 देखने को रहे, डिक्लास में 34 यहाँ पे देखने को रहे। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सब कुछ अपडेट मिलेंगे। मॉर्निंग में हमने क्या अपडेट दिया था मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 17,900 का पुट मैंने 120 पे बाय करने के लिए था, 99 रुपीज़ का स्टॉप लॉस बोला था। और यहाँ पे देखे जैसे 130, 140 यहाँ पे जो सिमेट्रिकल ट्राइंगल बना था बैंक निफ्टी ने, वो भी ब्रेक कर दिया अच्छा सा, डाउन साइड के लिए मोमेंटम बना रहा। उसने जो हाई लगाया 169 और उसके बाद में उसने 196 तक का हाई लगाया। उसके बाद मैंने और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल, जिनको यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला तो उनके लिए मैंने 17,800 का पुट के लिए 90 का सपोर्ट लेवल बताया था। यहाँ पे से देख सकते हैं 90 का सपोर्ट लेवल, और 90 के सपोर्ट लेवल पे जिसने भी बाय किया होगा उसका अच्छा सा रिट्रेसमेंट देखा मिला, और वो भी 90 के लेवल से, यहाँ पे देख सकते हैं 89, 90 के लेवल से 130 तक लेवल तक गया। तो इस तरह के लेवल्स, इस तरह के ट्रेड चाहिए तो आप मेरे प्रीमियम चैनल में जुड़ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे जुड़ना है तो यहाँ पे आप मेरा जो लिंक लिंक धन का लिंक है, धन के लिंक के थ्रू यहाँ पे अकाउंट ओपन कीजिए, वहाँ पे फंड्स कीजिए, वहाँ पे ट्रेड करना चालू कीजिए। मेरे साथ लाइव ट्रेड भी आप सीख सकते हैं। यहाँ पे प्रीमियम ग्रुप में लाइफ टाइम के लिए आपको यहाँ पे सब कॉल्स वगैरह मिल जाएंगे, ये सब एजुकेशन पर्पज रहता है, डिस्क्लेमर बनेगा रहेगा। निफ्टी 17,070 के यहाँ पे क्लोजिंग हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए, अभी कल के लिए निफ्टी के कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, बैंक निफ्टी के देखेंगे। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे एक रिजेक्शन जोन निकल कर रहा था। डेली कैंडल स्टिक में अगर देखे तो नीचे की तरफ से पाइन देखने को मिल रहा था, लेकिन ये सस्टेन नहीं किया, रेड कैंडल बना। कल समझो, कल अगर आज का लो ब्रेक कर देता है और आज का हाई ब्रेक करता है तब एक मोमेंटम बनेगा। कल अगर इसी रेंज में ओपन आज का लो ब्रेक करते तो फिर से पुट साइड में एक रैली देखने को मिल सकता है, लेकिन जब आज का हाई के ऊपर सस्टेन करेगा 88,900 तब एक अपसाइड के लिए मेरे हिसाब से ऊपर की तरफ का मोमेंटम देखने को मिल जाए। एस्ट्रो के हिसाब से मैंने जो एस्ट्रो टाइम्स दिए थे वहां पे भी देख सकते हैं अच्छा सा मोमेंटम आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के एस्ट्रो टाइम्स वगैरह चाहे तो आप मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। तो डेली कैंडल स्टिक में यहाँ पर रेड कैंडल बनाए, रेड कैंडल देखे तो यहाँ पे जिन लोग जितने भी बायर्स थे वहाँ पे एक ही दिन में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। आज के लोग के नीचे निकलता है तो और डाउन साइड का मोमेंटम मेरे हिसाब से देखने को मिल सकता है। चलिए, अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, 15 मिनट के प्राइस एक्शन क्या देखने को मिल रहा है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे कल के लिए, यहाँ पे देखेंगे इंट्राडे के लिए 17,800 का स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस रहेगा। देखो यहाँ पे एम टाइप ऑफ पैटर्न बनाए, यहाँ पे 17,800 का स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस रहेगा, इसके ऊपर सस्टेन होता है तभी अपसाइड के लिए मूवमेंटअप रहेगा। डाउन साइड के लिए 750 के नीचे देखो, कल 750 के नीचे निकलता है, यहाँ पे 730 के नीचे देखो, 730 के नीचे जब भी जाएगा 700 के लेवल को ब्रेक करेगा तो डाउन साइड के लिए मोमेंटम रहेगा। डाउन साइड के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 650 का सपोर्ट रहेगा और यहाँ पे 680 का लेवल रहेगा। अगर 700 के यहाँ पे कोई सस्टेन लेता है तो यहाँ पे 680 पे यहाँ पे रिवर्सल हो सकता है। जैसे कि आज 780 पे देखो, 780 पे यहाँ पे मार्केट ने एक बढ़िया एक्युमुलेशन जोन दिया सेल ऑन रेंज और एक डाउन साइड के लिए प्रेडिक्शन देखने को मिला, तभी से अभी 700 के 100 पॉइंट में निफ्टी ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो पैटर्न जो बन रहा है 15 मिनट में, यहाँ पे कुछ खास पैटर्न नहीं बन रहा, लेकिन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे निफ्टी को थोड़ा एनालाइज करेंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो जो एक कैंडल बना है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर बना है। जब तक इस इन्वर्टेड हैमर के ऊपर नहीं जाता तब तक यहाँ पे कोई बुलिशनेस नहीं, इसके नीचे जब भी रहेगा तो यहाँ पे सेल ऑन राइज आप जा सकते हैं। चलिए, अभी ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं। 17,800 और जो 900 का लेवल है वहाँ पे कॉल राइटिंग कितना देखने को मिल रहा है, कब कहाँ पे सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है। तो 800 के लेवल पे अगर देखें तो यहाँ पे 1,67,000 कॉल राइटर देखने को मिल रहा है, 1,02,000 पुट राइटर देखने को मिल रहा है। कॉल राइटर अगर यहाँ पे पुट राइटर से ज्यादा यहाँ पे 50,000 देखने को मिल रहा है, तो 17,800 का स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन 17,700 के लेवल पर अच्छा सा 84,000 पुट राइटर, 32,000 कॉल राइटर है, तो 17,700 का लेवल जो अच्छा खासा सपोर्ट के लिए वर्क करेगा। लेकिन ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो टूवर्ड्स 600 एंड 650 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और 800 का लेवल जब भी ब्रेक करेगा तो 850 और 900 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए, निफ्टी का तो एनालिसिस देख लिया, अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी डेली कैंडलस्टिक में देखेंगे क्या देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी अगर डेली कैंडलस्टिक में देखे तो यहाँ पे एक बढ़िया रेड कैंडल बना, देखो यहाँ पे जो अपना सिमेट्रिकल ट्रायंगल आ रहा था उसको तो ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे डेली कैंडलस्टिक में एक रेड कैंडल बना। इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल देखो मेरे हिसाब से, अभी जो 41,000 का जो राउंड फिगर नंबर है, जब भी 41,000 के नीचे जाएगा तो एक शार्प सेलिंग देखने को मिलेगा, पॉजिटिवनेस तभी आ जाएगा जो कि 41,700 के अबव जाएगा। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, 41,000 के नीचे शार्प फॉल देखने को मिलेगा, 41,700 के अबव एक अच्छा सा मोमेंटम अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर प्राइजेक्शन क्या हो रहा है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है इंट्राडे के लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 41,500 का लेवल जैसे मैंने कहा आज के ट्रेडिंग सेशन जैसे ओपन, 41,500 के नीचे गया तो डाउन साइड के लिए प्रेडिक्शन करता हूँ। जैसे मैं और जैसे मैंने आपको लाइव में कितनी बार बोला, यहाँ पे मेरे जो टेलीग्राम चैनल वहाँ पे भी डाल के दिखाया कि वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे भी मैं दिखा देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने क्या बताया था, 41,100 का 41,400 का जो लेवल है अच्छा सा रेजिस्टेंस के लिए वर्क कर रहा है। तो जिन लोगों ने तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया यहाँ पे देख सकते
यहाँ पे मैंने क्या डाला था, यहाँ पे मैंने अपडेट्स डाला था कि 41,400, चलिए चलिए यहाँ पे ने मेरे जो स्टूडेंट का ग्रुप है वहाँ पे डाला था, ऑलमोस्ट जो व्हाट्सएप पे ग्रुप है जो कि मेरे स्टूडेंट्स वगैरह है उनके लिए, तो 41,100 से परफेक्ट रिजेक्शन लिया लाइव मैंने पता था, और वही से रिजेक्शन लिया डाउन साइड के लिए 42,000 का सपोर्ट है, सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिला। तो कभी कल अगर 41,200 को निकलता है, 41,000 का राउंड फिगर के यहाँ पे नीचे निकलता है तो और सेलिंग देखने को मिल सकता है। अपसाइड के लिए 41,400, 41,500 का स्ट्रॉगेस्ट रेजिस्टेंस रहेगा, यहाँ पे भी कोई सेलिंग का मौका मिलता है तो डाउनसाइड के लिए प्रेडिक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो कैंडल्स बनाए तो यहाँ पे सेम सेम कैंडल बनाए, यहाँ पे ऊपर की तरफ सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। पिछला लो देखो, पिछले लो के पास क्या आ रहा था, यहाँ पे जो लो है तो ये लो कट नहीं रहा, जब ये 41,200 को ब्रेक करेगा तो डाउन साइड के लिए 200 पॉइंट्स आपको इजिली मिल जाएंगे। तो कल के रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे ध्यान रखिए कि मार्केट ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ब्रेक करता है कि नीचे की तरफ सपोर्ट ब्रेक करता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे, ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से क्या देखने को मिल रहा है, जो कि 41,000 का लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 41,000 पे अच्छा सा पुट राइटिंग कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है, कॉल राइटिंग यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, तो वीकनेस के लिए देखने को मिल रहा है जो कि सपोर्ट, और 41,200 के लेवल पे ऑलमोस्ट अगर देखे तो यहाँ पे पुट राइटिंग सबसे ज्यादा है, तो स्ट्रॉगेस्ट सपोर्ट के लिए फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है। 41,500 के लेवल पर हाइएस्ट कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है, तो स्ट्रॉगेस्ट रेजिस्टेंस के लिए वर्क कर रहे हैं। चलिए बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको बता दिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। जिन लोगों के यहाँ पे मेरा प्रीमियम चैनल ज्वाइन करने का है तो प्रीमियम चैनल के लिए आप यहाँ पे मेरे जो धन के थ्रू जो लिंक दिया, लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कीजिए, आपको लाइफ टाइम यहाँ पे मेरा प्रीमियम चैनल का एक्सेस मिलेगा, और ऊपर की जो कि मैं वीक में 2 बार यहाँ पे लाइव आ जाएगा, लाइव किस तरह से ऑप्शन के स्टडी कर सकते हैं, लाइव किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, आपको सब कुछ आपका बताऊंगा। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो आपके लिए वाला आ सके।